वेलकम टू न्यूज पी लेट्साउट शिव मैन आकाश की फाइट दन उर्फी के फैशन सेंस पे किसने कॉमेंट किया एंड कशिश रत्नानी क्या कशिश ठाकुर के साथ बैरअप होगी एंड तारा की विला में एक्स गर्लफ्रेंड कौन है ये सब के बारे में बात करेंगे अभी अगले टास्क की बात करें तो हनीबन ये टास्क का नाम होगा इसमें जस्टिन साक्षी के साथ परफॉर्म करेंगे कशिष ठाकुर काशिष रत्न महक के साथ आमिर श्रेन पेमा के साथ टास्क होने के बाद जस्टिन एंड साक्षी फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे और कशिष ठाकुर कशिष रत्नानी महक सेकंड पोजीशन पे जिस वजह से ये तीनों में से सिर्फ एक कंटेस्टेंट सेशन में सेफ होगा और वो कशिश रत्नानी हो सकती है उसके अलावा बाकी सारे कंटेस्टेंट अनसे होंगे लड़कियों में से कोई एक एलिमिनेट होने वाला है एंड टारगेट जो है ना वो से रहेंगे बिकॉज सेफ साइड पे अभी साक्षी श्रीवास है जो दोनों के अगेंस्ट है एंड वो इन दोनों में से एक किसको एलिमिनेट करेगी इसी दौरान शिवम की बोली गई बातें आराधना रिवील करेगी दैट आकाश लीना को शिवम पसंद नहीं करता वो तो ये बोल रहा था कि उसके मुंह से प्याज की बदबू आती है ऐसा लग रहा है जॉन पूछ के आराधना ने ये चीज डोम सेशन में ही उठाई सबके सामने सो दैट सबको ये पता चले एंड आकाश लीना ह्यूमिलिएट हो शिवम एंड आकाश लेना में इसी वजह से बड़ा झगड़ा होगा बट एंड में आकाश लीना विल गेट एलिमिनेटेड और साक्षल के सामने भी जाएंगे अगले डोम सेशन में ये पूछने के लिए कि क्या वो एक आइडियल मैच है कि नहीं अभी मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आइडियल मैच नहीं बनेंगे ऐसा लग रहा है जिस वजह से आकाश लेना बच जाएगी बट जो भी हो अगला डोम जो है ना वो नो एलिमिनेशन वाला डोम होगा उसके बाद जब सब विला रिटर्न आ जाएंगे ना तब शिवम हनी यान आकाश लेना में एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ पे आकाश आकाशलीना शिवम के कपड़े खराब करेगी उस उसपे कलर या सॉस डाल के उसके शोर्ट्स को पूल में फेंक देगी एंड यही झगड़े की वजह से शिवम अपना कनेक्शन स्विच करेंगे आगे जाके शिवम जो है ना वो आराधना को चूज करने वाले एंड ये सब होने के अगले दिन ना एक टास्क होगा जिसमें उर्फी जावेद की एंट्री होगी ये टास्क के दौरान उर्फी फिर से कुछ लड़कियों के अगेंस्ट चीजें बोलेगी एंड इसी बीच हीबा उर्फी के लुक्स एंड आउटफिट के ऊपर एक कमेंट करेगी कि वो एक लोखंड वाला की बीप की तरह दिखाई देती है क्योंकि वो वर्ड को बीप किया गया था तो ऐसा लग रहा है की हिबा ने अब किया होगा ये जब उर्फी सुनती है ना तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो सबको चिल्ला के एक वार्निंग देती है कि वो एक कंटेस्टेंट की तरह नहीं आई है तो उसके साथ खेलने की जरूरत नहीं है आपस में तुम लोग खेलो फिर उर्फी ये भी पूछती है कि इंडिया की नहीं होना तो मेरे बारे में पता नहीं होगा तुम्हें उर्फी के आने के बाद और तीन वाइल्ड कार्ड्स आएंगे एक उसमें से तारा होंगे जिन्हें रूडीज में आपने देखा होगा फिर मूज चटाना जो साउथ अफ्रीका वाला जो रूडीज का सीजन रहा है ना उसमें देखने मिली थी एंड और एक लड़का उनके साथ आएगा अभी तारा जब आएगा ना तब एक लाइन बोलेगा कम स्पेशली टू टू विन विन हर हर हार्ट एंड बैक तो जो ऑलरेडी विला में विड़कियां है ना उनमें से किसी के लिए तारा ने ये बोला है शायद से ये जो लाइन है वो साक्षी श्रीवास के लिए तारा ने बोला होगा बिकॉज साक्षी एंड तारा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं बजाता डांस जो है ना उसके क्लासेस जब तारा लेते थे वो क्लासेस के वीडियोस में साक्षी देखने मिली है तो मोस्टली तारा ने ये साक्षी श्रीवास के लिए बोला होगा और जिस डायरेक्शन में वो देख के बात कर रहे थे ना वो डायरेक्शन में सिर्फ साक्षी श्रीवास और कशिश रत्नानी बैठे हुए थे तो अगर साक्षी श्रीवास के लिए नहीं होगा तो कशिश रत्नानी के लिए होगा पर इन दोनों में से किसी एक के लिए उन्होंने ये बोला है एंड अभी अगर आप देखोगे तो डांस टास्क प्लस अगला हनी बन वाला टास्क दोनों कशिश रतनानी कशिश ठाकुर के साथ ही करने वाली है इनमें एक बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है पर ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज महक है वहां पर एंड इवन आकाश आकाशलीना भी कशिश ठाकुर के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई करेगी इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि कशिश रत्नानी आगे के एपिसोड्स में शिवम शर्मा या तारा के साथ बॉन्ड बनाने का देखेगी एंड जब उसका बॉन्ड अच्छा खासा बन जाएगा तब जोशुआ वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला है जोशुआ जब रिटर्न आएगा तब कहीं ना कहीं ही विल फील बिट एंड वो हर्ट होंगे जिस वजह से उनका कशिश रत्नानी का रिलेशन खत्म हो जाएगा अभी जब वाइल्ड कार्ड आ जाएंगे ना उसके बाद आगे के एपिसोड में कई लड़कियां बैक टू बैक एलिमिनेट हो जाएगी क्यूँकी लड़के अभी वैसे कम है आराधना साक्षिडी श्रे ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो अपकमिंग कुछ डोम सेशंस तक ही आपको देखने मिलेंगे बाद में एक एक, एक करके दे विल गेट एलिमिनेटेड इसका रीजन ये भी होगा दैट उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन नहीं पा बिला के अंदर एंड एक पॉइंट पे सोंदस को भी एलिमिनेट करने का ट्राई किया जाएगा पर सोंदस कैसे न कैसे बच जाएगी एंड हामिद सोंदस का जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है टास्क भी वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं तो आगे जाके हो सकता है कि वो एक आर्डिया मैच बन जाए जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों फिनाले तक जाएंगे सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डू लेट मी नो कि आकाश लेना चीम के झगड़े में कौन आपको सही लगता है कौन गलत है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो आज ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू